एक बच्ची का कत्ल करके इन सरकारों ने करवाया, उस जमाने की होम मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती का कसूर है कि भाई 5-6 दिन 7 दिन 8 दिन बच्चा गायब रहा, रिजाइन क्यों नहीं किया? होम मिनिस्टर रिजाइन क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं बच्चा उसकी जब जिसकी नलाकी के समय में बच्चा गायब होगा, बजाय उस पर अपने में एक्शन होना चाहिए, लोगों में एक्शन करवा रहे अननेसेसरी। क्या क्या है इनकी ताकत? और जब लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी मांगी तो कहती नहीं नहीं सीबीआई क्राइम करेगी। तो कश्मीर में जब आपने शोपियान में सीबीआई की क्यों करवाई थी? क्या परेशानी थी आपको? मतलब जम्मू को सीबीआई इंक्वायरी भी नहीं मिलेगी? सीबीआई इंक्वायरी में किसने कहा था? फारूक अब्दुल्ला साहब बोलते हैं एक भाषण में कि जनाब दो दो मिनिस्टर चलेंगे, वो देखें यूट्यूब में एक बड़ा हुआ है पूरा डिटेल में। वो उसको पूछती है जो रिपोर्टर और जर्नलिस्ट, तो बड़ी खुंदक में फिर बाद में बहाने लगा के पहुंच जाता 8 साल की बच्ची के साथ ये हुआ और दो मिनिस्टर चले गए और जम्मू के लोगों ने तिरंगा लगे झंडा निकाला, जुलूस निकाला और रेपिस्टों की बंदी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए फारूक साहब। किसी ने नहीं कहा, जम्मू सारा कह रहा है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कातिल है उसको फांसी होनी चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि ये सीबीआई इंक्वायरी मुझे बताओ किसको बचाएगी, कौन बचेगा? आप कह रहे हो सीबीआई इंक्वायरी मांगने वालों को, लोगों को कहोगे वकीलों से लेके ट्रांसपोर्टर, दुकानदार, ट्रेडर्स और जम्मू की सारी जो जनता है यहाँ की, उसको बोलोगे इन्होंने हड़ताल जो की है ये क्रिमिनल की मदद। एड्रेस मैं ये कहता हूँ, हम जब गए तो कहा गया दो मिनिस्टर चले गए। मैं कहता इधर ही हमारा बेड़ा गर्क हो जाए अगर हम चाहें तो, क्रिमिनल बचे मेरा हो जाए अगर कोई क्रिमिनल बचे, क्रिमिनल फंसना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई क्यों नहीं करेगी? क्या तकलीफ है? और शोपियान में तो बंदे अंदर थे, एक एसपी अंदर था जावेद मट्टू, एक डीएसपी अंदर था रमेश नाम का बंदा था, एक डीएसपी था उसको रोहित मसोत्रा। मैं पूछा रोहित मसोत्रा था डीएसपी, दो दो महीने अंदर रखे, उसके बाद आपने कहा सीबीआई इंक्वायरी कराओ, करवाई तो बंदे फिर छुट गए ना। अब इनको यकीन है कि यहाँ पता नहीं गलती काम करवाया होगा इन्होंने कुछ, इसलिए हम चाहते हैं डिटेल में इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी। अभी भी सेकंड चलान पेश हो रहा है, सेकंड चलान सीबीआई को देना चाहिए। क्यों दिया उनको? 90 के केस आज तक साल में नहीं हुए, चलान पेश नहीं हुए, 1.5 महीने में हुए। क्या बात है, कितना बढ़िया काम। इसलिए हम चाहते हैं क्रिमिनल फंसे, सजाएं मिले, बड़ी से बड़ी सख्त सजा मिले। लेकिन इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये आलतू फालतू दिल्ली जाके फालतू बातें कर रही और कश्मीर का मीडिया हाईजैक करके दिल्ली में बकवास करें, फालतू बातें करेंगे, नहीं चलेगा। जम्मू का मीडिया को खुद अपनी जगह खुद देखने आती है, जम्मू के लोग अपनी जगह जानते हैं। इसलिए जम्मू में अगर ब्यूरो बैठा हुआ है, व्हाट द फन ऑफ द कश्मीर ब्यूरो इंटरफेयर इन द जम्मू ब्यूरो, व्हाट दिस नॉनसेंस। ये सारी गलती यहाँ से हुई है, जिनको रसाना बोलने नहीं आता, रासना, रासना नहीं है ना रास। अब गई उड़ी सरकार, गायब हो गया काम, हो गया रसाना ने कर दिया काम इनका, रासना। पहले रसाना बोलना सीखो, देखा हो तो बोलेंगे ना। इसलिए हमने उस लड़ाई से शुरू किया और आगे बढ़ते गए। आज जम्मू एक जगह खड़ा है, पूरा प्रोविंस खड़ा है, पूरा खिता खड़ा है कि हमारे साथ जितने भी बितकरे हैं, जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन हैं, जितना भी इम्तियाज है उसको ख़त्म किया जाए।